उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर 15 नवंबर यानी कि आज पर्यटकों के लिए विगत वर्षों की भांति विधि विधान से फीता काट कर पुनः खोल दिया गया है, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास बात आपको बता दें कि दुधवा खुलने से आगाज पर पर्यटकों को पहले ही दिन निःशुल्क ही जंगल में प्रवेश मिलता है। दुधवा खुलने के कारण पहले दिन बहुत से पर्यटक दुधवा में मौजूद जिप्सी गाड़ियों से वन जीवों के दर्शन के लिए जंगल के अंदर गए, जहां उन्होंने बंगाल टाइगर के साथ अन्य वन जीव और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया। पहले दिन आए सैलानियों के साथ मिलकर दुधवा के अधिकारियों ने भी घने जंगलों का भ्रमण किया। आपको बता दें, आज से विगत वर्षों की भांति एक बार फिर से आप दुधवा टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन सत्र का आगाज दुधवा टाइगर रिजर्व के GM वन निगम के सिंह के द्वारा पूजा अर्चना कर फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर पर्यटकों को दीदार करने हेतु वहीं दूर दराज से आए सैलानियों को जहां सबकी लाडली दुर्गा हाथी का बच्चा ने लोगों का मनोरंजन किया, वहीं सैलानियों ने छोटे भीम के साथ सेल्फी खिंचाकर यादगार पलों को कैमरे में कैद किया। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क खुलने के पहले ही दिन दूर दराज आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने भी उत्साह दिखाया। पर्यटकों हेतु नेचर कंजर्वेशन एंड इको फाउंडेशन के सचिव लीलाधर उर्फ सोनू एवल, उनकी टीम गाइड चालकों द्वारा दुधवा टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों के फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। आपको ये भी बता दें कि दुधवा में आपको वन जीवों के दीदार करवाने और आपको जंगल और जंगल से जुड़ी जानकारी देने के लिए गाइड, जिसमें युवक और युक्तियां भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दी। पर्यटक का आगाज करने से पूर्व पर्यटक के मुख्य द्वार एवं प्रवेश एंट्री पर टून इंटरनेशनल स्कूल पलिया खीरी एवं टाइगर डेन सोसाइटी पलिया खीरी के छात्र एवं छात्राओं द्वारा रंगोली बनाकर साज सज्जा का कार्य पूर्ण किया गया। नए पर्यटक सत्र की विशेषताओं के बारे में मुख्य अतिथि के सिंह GM वन निगम के एवं उप निदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग पलिया खिरी द्वारा बताया गया। नाम आपका? मनमीत कौर। कहाँ से आप? दून इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर जो रंगोली बना रही है, आखिर क्या कारण है इसमें? सर, दुधवा जब ओपन होता है पार्क, तो इसमें यूजुअली हम वेलकम के लिए रंगोली बनाते हैं, और हमें दुधवा मैनेजमेंट हमें इनवाइट करता है सो दैट हम वेलकम के लिए रंगोली एक मेमोरी छोड़ कर जाएं। अच्छा, आप तो दुधवा आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलता है? सर, यहाँ पे हमें देख नेचर बहुत ही अच्छा, नेचर और ह्यूमन का कनेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग इतना अच्छा, यहाँ पे पार्क्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं। हम लोगों को उन्हें सेव करना चाहिए सो दैट कि हमें नेचर को प्रिजर्व कर सकें। अभी तक आपको क्या दुधवा में पसंद आया सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा डियर्स एंड टाइगर्स। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अभिषेक चतुर्वेदी। अभिषेक जी, यार दुधवा नेशनल पार्क की ओपनिंग है, तो कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में? बहुत एक्साइटमेंट है, हम लोग तो इसका वेट करते हैं। 6 महीने जंगल बंद रहता है, बाकी सब स्टेट्स में बफर खुला रहता है, यहाँ पे बफर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 6 महीने के लिए जंगल खुलता है, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। आज जंगल खुलेगा, देखते हैं अंदर क्या एनिमल्स हैं, क्या नए एनिमल्स दिखेंगे, नए टाइगर्स दिखेंगे, नई और क्या क्या प्रजातियां दिखेंगे। आज पहला ही दिन है और आज ओपनिंग भी है, और आज ही आप लोग कहाँ से आए हैं? पहले हम लोग लखनऊ से आए हैं, कल रात में आ गए थे हम लोग तो सुबह 6:30 बजे की सफारी सोच करके आए थे, ये प्रोग्राम तो यहाँ आके पता चला कि 10 बजे खुलेगा, तो हम लोग तो इसलिए ही आए थे कि सिर्फ ओपनिंग में पहले दिन वो मूवी टाइप का होता है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वही एक अपना एक्साइटमेंट होता है। सबसे ज़्यादा दुधवा में आपको क्या अट्रैक्शन है? दुधवा से ज़्यादा सुंदर जंगल हिंदुस्तान में कोई नहीं है। यहाँ जो साल के पेड़ हैं, लंबे पेड़ हैं, जो घना जंगल है, हम लोग वाइल्ड लाइफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, तो हम लोग को हम सारे जंगल्स घूमे हुए हैं, बट ऐसा सुंदर जंगल कोई नहीं है हिंदुस्तान में, ये हम कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर, कीर्ति सिंह। कीर्ति, आज दुधवा नेशनल पार्क की ओपनिंग हो रही है, आप लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, और आप लोग यहाँ के लिए क्या करते हैं? सर, ओपनिंग के लिए तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, हम लोग पहले से ही मतलब कहते हैं कि हम लोग भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब देखेंगे। सर, यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, सब पर्यावरण से हर चीज़ पता चलती है, हर चीज़ जानने को मिलती है दुधवा आने से, और हर चीज़ के बारे में हमको पता चलता है कि किसको क्या करने से हमें क्या मिलता है, क्या नहीं, जानवरों को कैसे सुरक्षा करते हैं, पेड़ पौधों को कैसे बचाते हैं, हर चीज़ की जानकारी मिलती है। आप लोग अवेयर भी करते हैं लोगों को जाके गांव-गांव में कि पेड़ ना काटें, तो ये किस तरह से करते हैं सर? जी,
कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन लोगों को अवेयर करते हैं इस चीज़ के लिए? सर जैसे हमारे आसपास के गांव हैं सर, वहाँ ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं वो लोग, लेकिन फिर भी अपनी टीम, हम लोगों की टीम है, 10 स्कूल मिलके बने हुए हैं, टीम एक है सर। वो टीम हमारी जाती है और वहाँ पर जाकर के सब गाँव वालों को जागरूक करती है कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए।